भाजपा को आज कई तमाचे लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े झटके दिए हैं, कई तरह से बड़े झटके हैं। झटका दोस्तों यह है कि मलयालम न्यूज चैनल था एक, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज आपको शॉर्ट बता रहा हूं, मीडिया वन नाम से एक चैनल था और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इसका लाइसेंस रद्द करने की मांग करी थी, जिसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया गया। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए चिढ़ गई थी इससे, मलयालम टीवी से, क्योंकि ये मोदी सरकार के बारे में खुलकर बोल रहा था, जैसे बहुत कम लोग बोलते हैं। इस पर मोदी सरकार चिढ़ गई और इसका लाइसेंस रद्द करने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा फैसला सुना दिया कि सरकार की आलोचना करना गलत नहीं है, सरकार के खिलाफ बात बोलना गलत नहीं है, ये मीडिया का काम है सरकार से सवाल करे। जिस प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने इस चैनल का लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया, हम उसको रिफ्यूज करते हैं। यानी मोदी सरकार का पूरा फैसला पलट दिया गया और एक सच्चे चैनल की जीत हुई है। इसी केस की सुनवाई करते हुए जो अगली बात बोली है वो और भी बड़ी बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो PIL को, जो सच बोलने वाले लोग हैं, जो आम लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, जो कि सरासर गलत है और बर्दाश्त के काबिल नहीं है। दूसरा तमाचा। वहीं एक बड़ी जीत और हुई है और भारतीय जनता पार्टी को जोरदार तमाचा इस प्रकार लगा है कि एक नफरत फैलाने वाला जानवर जो टी राजा के नाम से जाना जाता है, जिसने पूरे हिंदुस्तान में सीधे साधे हिंदुओं को वरगला कर उनको हथियारबंद कर दिया है, जी हाँ, और लगातार मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड का ऐलान कर रहा था, अब हाल ये हो गया था कुछ टाइम तो इसने सीधा सीधा माँ बहन की गालियां देना शुरू कर दी थी, वो मैं अपने नेशनल प्राइम टाइम में दिखा चुका हूँ। इस पर हुआ क्या है दोस्तों, अब थक हार कर जब MIM के अध्यक्ष ओवैसी ने अपील की तो तुरंत उसको गिरफ्तार भी तेलंगाना पुलिस ने कर लिया है। ये देखिए गिरफ्तारी के बाद का ये तस्वीर है जिसमें वो आपको हेट स्पीच का मास्टरमाइंड नज़र आ रहा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश में दंगा करवाना और मुसलमानों का कत्लेआम था। तेलंगाना पुलिस ने आतंकी टी राजा को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों अब आपको वो भी बयान सुनाऊंगा जिसमें ओवैसी साहब ने इसकी गिरफ्तारी की मांग की थी। हम तेलंगाना सरकार से इस बात का डिमांड करते हैं कि जिस शख्स ने वाहियात बातें की हैं उसका बेल का कंडीशन यही था कि वो दोबारा इस तरह की बकवास और हेट स्पीच नहीं देगा। उन्होंने इस तरह का भाषण देकर अपने बेल कंडीशन का वायलेशन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट में उनका बेल कैंसलेशन के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस और यहां का एडमिनिस्ट्रेशन उस पर एक्शन लेगा और उसी शख्स के खिलाफ महाराष्ट्र में भी FIR हुआ है। तो वो बार बार अपने ही बेल के कंडीशंस को वायलेट कर रहे हैं और ये फिट केस है उनके खिलाफ लीगली आगे बढ़ने के लिए। और संगारेड्डी में जो पटनचिरू में जिस 3 बच्चों को मारा और पीटा गया, हालांकि टी राजा जिस प्रकार से तुरंत दंगों के बाद गिरफ्तार हो गया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पूरी प्लानिंग है कि हाँ मैं पहले दंगा करवाऊंगा, उसके बाद मैं जेल चला जाऊंगा और 10 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और मेरे पर से लोगों की नज़र हट जाएगी, फिर मैं वही काम करूंगा, फिर से दंगा भड़काऊंगा, फिर जेल चला जाऊंगा, फिर से वापस आ जाऊंगा। ये एक सीन है जो बार बार रिपीट हो रहा है। आपको क्या लगता है नीचे कॉमेंट जरूर कीजिए। इसी के अलावा आपको एक और सुप्रीम कोर्ट का तमाचा जो मोदी सरकार को लगाया गया है वो बताना चाहूँगा। मलयालम न्यूज़ चैनल को जो बैन करने की कोशिश थी, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के सामने जो भारत के CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके सामने इस पर भी जो है बंद लिफाफे के अंदर मोदी सरकार ने वजह बताई थी और कहा था कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है, इस चैनल को बंद करना होगा। उसकी सारी वजह कि इसको बंद क्यों करना है, इसके अंदर सील बंद लिफाफे के अंदर लिखी हुई है। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट के जज और न्यायाधीश बुरी तरह से भड़के थे और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये बंद लिफाफे में जो आप तुरंत किसी को भी अपनी राय देकर, अपनी खुद की राय देकर
देश के खिलाफ या राष्ट्र के खिलाफ घोषित कर देते हो, ये प्रथा गलत है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी खासी लताड़ मोदी सरकार को लगाई है। उधर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को एक और तगड़ा झटका लगा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पेपर लीक करवाती है। इस सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, न जाने कितने स्टूडेंट्स के, छात्रों के पेपर लीक हुए हैं। बंदी संजय गिरफ्तार हो गए हैं। SSC पेपर लीक मामले में तेलंगाना BJP अध्यक्ष गिरफ्तार हो गए हैं। जी हां, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अवैध बोला है। बताइए, वो पार्टी जो CBI और क्राइम ब्रांच और ED को ऐसे इस्तेमाल करती है जैसे अपने साले से गली के चौक से जो है आधा किलो दूध मंगाया जाता है, समझ रहे हैं। अब आप देखिए SSC पेपर लीक मामले में तेलंगाना BJP के अध्यक्ष और सांसद बंदी संजय कुमार का गिरफ्तार कर लिया गया है। बुधवार को गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले बंदी संजय को उनके करीमगंज स्थित आवास से तेलंगाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उधर बंदी संजय गिरफ्तारी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जानकारी के मुताबिक बंदी संजय की गिरफ्तारी से पहले पुलिस की टीम उनके मेडिकल जांच के लिए पलकुर्ती के एक स्थानीय अस्पताल में ले गई थी। यहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बंदी संजय की गिरफ्तारी के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। दोस्तों ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी को एक और तगड़ा झटका है। अब जरा सोच के देखिए, भारतीय जनता पार्टी आपका क्या विकास चाहती है, आपके बच्चों का कैसा भविष्य चाहती है। राजस्थान के कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला, जिस पर देखिए ओम बिरला, ये तस्वीर देखिए, ये तीनों तस्वीर माननीय ओम बिरला जी की है। ध्यान से देखिए, तीनों तस्वीर उन्हीं की है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि वो लोकसभा के स्पीकर की गद्दी पर बैठे हुए हैं। दूसरी तस्वीर में आप वीडियो नज़र आ रही है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं RSS के वो मेंबर हैं। अब आप देखिए कि जो स्कूल खोला गया है, ओम बिरला जी फोन से दूसरे उनके जो समर्थक है भारतीय जनता पार्टी के, उस स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं, जो उस स्कूल के मेंबर हैं, उनको धमकी दिलवाई जा रही है। किसके द्वारा? ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के सामने धमकी दिलवाई जा रही है। और ओम बिरला जी फोन हाथ में लेके खड़े हैं और धमकी दिलवा रहे हैं। देखिए, राज के बालिका विद्यालय ना बड़ोदन में, जिसको ये महात्मा गांधी नहीं बनाना है, वरना ये समस्या आ जाएगी बहुत भारी। हाँ, इसके लिए प्रस्ताव नहीं भेजना है, इसको हिंदी मीडियम में रखना है मैडम। अब आप समझ सकते हैं कि भारत में अंधेर नगरी और चौपट राजा है। और इसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए बताना चाहता हूँ, ये देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है और इसी के अंदर साफ साफ बताया गया है कि NCERT से, महात्मा गांधी से जुड़ी कई बातें हटाई गई हैं। गोडसे को ब्राह्मण बताने वाला हिस्सा और गुजरात दंगे से जुड़ी बातें भी सिलेबस में नहीं है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ज़रा सोच के देखिए, खुल्लम खुल्ला संघी क्या काम कर रहे हैं मेरे दोस्तों। अब इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में दैनिक भास्कर के द्वारा साफ साफ बताया गया है कि NCERT से, गांधी गोडसे से जुड़ी बातें हटाई गई हैं। देखिए, गोडसे को ब्राह्मण बताने वाला हिस्सा हटाया गया, गुजरात के दंगे से जुड़ी हुई सभी चीज़ें हटाई गई हैं। नई किताब में जोड़ा गया हिस्सा, 30 जनवरी को एक प्रार्थना सभा में एक युवा व्यक्ति ने गांधी पर गोली चलाई, हत्यारे ने बाद में आत्मसमर्पण कर दिया, व्यक्ति की पहचान नाथूराम गोडसे के तौर पर की गई। ये नई नई चीज़ें ऐड की जा रही हैं अपने हिसाब से, और अपने बाप के कलंक संघियों के द्वारा मिटाए जा रहे हैं। देखिए, RSS पर बैन वाला हिस्सा भी हटा दिया गया है। कक्षा 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की किताब से गांधी जी की हत्या के बाद सरकार ने सांप्रदायिकता फैलाने वाले संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की और RSS जैसे संगठनों को प्रतिबंध कर दिया था। दोस्तों, हिंदी की बुक से गजल और गीत भी हटा दिए गए हैं। साथ ही सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स चैप्टर भी नहीं पढ़ाया जाएगा। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि अब इतिहास जो असली है वो मिटा दिया गया है, और जिनके बाप दादाओं ने, जिनके घर से एक चूहिया तक नहीं मरी देश की आज़ादी में, उनको अब वीर बताया जाएगा। जाहिर सी बात है, घुटने टेकने वाले को, हाथ जोड़ने वाले को वीर बताओगे तो फिर होगा ही क्या। अब उसी के मानने वाले ऊंची ऊंची कुर्सियों में बैठे हैं तो होगा ही क्या।
बहरहाल गूगल के इस जमाने में तुम किताबों से इतिहास मिटा नहीं सकते, तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी लेकिन तुम इतिहास न मिटा पाओगे। वहीं पूरे भारत में मुसलमानों का खुलेआम कत्लेआम शुरू हुआ, जिसके बाद मुस्लिम संगठन ने मुलाकात अमित शाह जी से की है। जी हाँ, उसकी भी रिपोर्ट दैनिक भास्कर के सोर्स के द्वारा आपके सामने रख रहा हूँ। मुस्लिम दरगुओं से मिले अमित शाह, लिंचिंग हेट स्पीच के मामलों में कार्रवाई का भरोसा दिया है अमित शाह जी ने। धर्मगुरु बोले ये शाह बिल्कुल अलग थे। जी हाँ, क्योंकि शाह साहब सामने कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट आपको पढ़ के बताने वाला हूँ उस स्टेटमेंट के मुताबिक ये सिर्फ धर्मगुरुओं ने उनकी चापलूसी की है, वरना अमित शाह जी वैसे ही हैं जैसे स्पीच में या स्टेज पर नज़र आते हैं। कैसे, आपके सामने ये रिपोर्ट मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम धर्म गुरुओं की डेलीगेशन ने मंगलवार देर रात गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मीटिंग में डेलीगेशन का नेतृत्व जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद बद्दी ने किया। जमीयत उलमाए हिंद के सेक्रेटरी नियाज फारूकी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी और प्रोफेसर अख्तरुल वासे समेत कई लोग इस मीटिंग में शामिल हुए थे। मुस्लिम धर्म गुरुओं के डेलीगेशन ने मुस्लिम समुदाय की समस्याओं को बताने के लिए एक प्रेजेंटेशन भी दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 14 मुद्दे उठाए गए। फारूकी ने बताया कि उन्होंने किसी नेता पर निशाना नहीं साधा, ये उनका टारगेट भी नहीं था। हमारा उद्देश्य था कि सहयोग की भावना बढ़े और देश का माहौल बदले। दोस्तों, जो अब अहम मुद्दे हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। देखिए, रामनवमी के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा का मुद्दा, नालंदा में मदरसे को आग लगाने का मुद्दा, राजस्थान के भरतपुर के दो युवकों की हत्या का मामला, इन युवकों की जली हुई बॉडी हरियाणा के एक कार में मिली थी यानी नासिर और जुनेद का मामला, सेम सेक्स मैरिज और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा, हालांकि शाह ने इस पर कोई बयान नहीं दिया, कर्नाटक में मुसलमानों का आरक्षण खत्म किए जाने वाले मामले को भी मुद्दा बनाया गया, नागरिकता संशोधन कानून का भी मुद्दा उन्होंने उठाया, इस पर भविष्य में यानी फ्यूचर में डिटेल्ड में बैठकर बात करेंगे, ऐसा अमित शाह जी ने कहा है। एक बात मेन है जो मैं अक्सर आपसे कह रहा था, इस डेलीगेशन ने अमित शाह जी से कहा कि आपकी खामोशी मुसलमानों को परेशान कर रही है और दूसरों को हिम्मत दे रही है, आपकी खामोशी हमारे लिए खतरनाक है, आपसे हमें काफ़ी उम्मीद है, आप खामोश क्यों हैं, आपको खामोश नहीं रहना चाहिए। इस पर अमित शाह जी ने कहा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन किस तरह का बयान दे रहा है, लेकिन हेट स्पीच के समर्थन में हमारी गवर्नमेंट नहीं है, वो बात अलग ही है ब्रैकेट में कि हम कार्रवाई नहीं करते और ना हम अपने भाजपाइयों को समझाते हैं, खुला उनको सांड की तरह छोड़ते हैं, ये अमित शाह जी ने नहीं बताया, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि यही सच्चाई है। दूसरी तरफ रिपोर्ट के अनुसार जब अमित शाह जी से बोला गया कि आप चुप क्यों रहते हैं, आपकी चुप्पी हमारे लिए अच्छी नहीं है, इस पर अमित शाह जी ने कहा कि इस पर विचार करेंगे, यानी इस पर विचार करेंगे ये बात बोलकर भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ जानी चाहिए कि अमित शाह जी ने इस पर ये नहीं कहा कि बिल्कुल ठीक बात है हम बोलेंगे या हाँ हम आगे से बोलेंगे या हम इस बारे में सोच रहे हैं, बल्कि बोला है कि आगे हम सोचेंगे। उधर दोस्तों, आज हनुमान जयंती है, पूरे देश भर में आप जानते हैं कुछ भी हो सकता है। मुसलमानों से अपील है आँख नाक कान खुले रखिएगा, अपने आप को संभाल के रखिएगा, गलती से बचिएगा, अगर ऐसी कोई भी हरकत हो तो अपने आप पर भरोसा रख के, संविधान पर भरोसा रख के अपने फ़ोन के कैमरे को खुला रखिएगा। इसी के साथ माहौल बड़ा ख़राब है, जिसकी वजह से आपके सामने बता दूं, ये रिपोर्ट देख लीजिए, ये भी दैनिक भास्कर के सोर्स से आपके सामने रख रहा हूँ। हनुमान जयंती पर केंद्र की एडवाइजरी आई है, माहौल बिगाड़ने वालों पर नज़र रखें। पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में सेंट्रल फोर्स तैनात है। दोस्तों, देश के कई राज्यों में रामनवमी पर हिंसा के बाद गृह मंत्रालय ने बुधवार को सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि हनुमान जयंती पर शांति बनी रहे, इसके लिए कानून व्यवस्था बनाए रखें, हर ऐसी चीज़ पर नज़र रखें जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वो वाला मामला है दोस्तों। बहरहाल, जो शॉर्ट में था आपको बता दिया है, बस आपको दिमाग और आँख खुला रखना है, समझदारी की मिसाल पेश करनी है। अब एक आपके सामने सवाल रखूं और एक बात बोलूं, पहले बात बोलूंगा फिर उसके बाद सवाल करूंगा।
अगर मैं बोलूं कि माता सीता ने मर्यादा लांघी थी तो इस पर आप क्या कहेंगे? तुरंत आप कहेंगे मुल्ला है, बुल्ला है, जहरीला है, नफरती बयान दे रहा है, हमारी माता का अपमान कर रहा है। नहीं, माता सीता का अपमान मैं नहीं कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो नकली हिंदुत्व और हिंदूवादी खेल खेल रही है, बता दूं कि राजस्थान के बीजेपी नेता ज्ञानचंद पारख ने यही बात कही है कि माता सीता ने मर्यादा लांघी थी, जिसके बाद उन्हें भुगतना पड़ा था। देख लीजिए भैया, कभी ये हमको कहने लगे, औकात देखिए अपनी, आईना देखिए। पर ये मंच जो है ना, इस मंच की मर्यादा को कभी हम लांघेंगे नहीं, क्योंकि जिसने भी मर्यादा लांघी है, माँ सीता ने मर्यादा लांघी थी, भगवान राम उसके पति थे भगवान, पर मर्यादा लांघने का कितना दुष्परिणाम माँ सीता को भुगतना पड़ा, उसके बाद कभी सुख चैन उसको नहीं मिला, आप सबको पता है। सोच के देखिए, तमाम हिंदू नीचे बैठकर चुपचाप जो है सर खुजाते हुए, जान खुजाते हुए देख रहे हैं आराम से, लेकिन यही बात अगर कोई मुसलमान बोलता, ओह वो पूछो। तो ये सब दोगलापंथी है, इनको अपने धर्म से मोहब्बत नहीं, अपने देवी देवताओं से मोहब्बत नहीं, नौटंकी है बस इनकी। अब दोस्तों, बिहार के आज तक के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के एक वीडियो के एक छोटे से अंश को दिखाऊंगा, जिसमें आप सुनेंगे कि मुसलमानों को हिंदुत्व के आतंकवादी संघी संगठन के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, उन लोगों ने किस प्रकार से प्रताड़ित किया। महिला ने बयान दिया है और महिला बोल रही है कि खुल्लम खुल्ला हमें छेड़ा जा रहा है, हमारी चादर और नकाब को खींचा जा रहा है और हमें परेशान किया जा रहा है। उस दर्द को शायद ही आप समझ पाएं, अल्लाह ना करे कि आपकी बहन बेटियों का कभी ऐसा हाल हो। देखिए और समझिए कि ये भगवान के नाम पर क्या क्या करते हैं। यहाँ पे सहायता आप लोग करिए, हम लोग अपने घर द्वार में अच्छे से रहे, हम लोग नए नवेली हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे, दूसरे के दरवाजे कब तक रहेंगे। हम लोग अभी अभी आए, हम लोग को गाली फकर दे रहा था, मार रहा था, सब गाली दे रहा, सब वहाँ पे हम गिर गए, नकाब छीन रहा था सब, मेरा बेइज्जत कर रहा था सब, बस इतना ही हम कहने चाहे। नहीं, पुलिस नहीं थी, पुलिस के साथ, हाँ उन लोग भी हम लोग के साथ गाली दे रहे थे, पुलिस भी जयकारा लगा रहे थे, लोग बोल रहे थे जय जय जयकारा कर रहे थे, बस इतना ही हम कह रहे हैं। हम तो ससुर के घर में गए थे, वहाँ उन लोग अब भरुआ गया, दो तीन दिन हो गया तो उन लोग भारू समझने लगा, तो अब सोच रहे कि अपने घर जाए, तो मेरे पास पैसा भी तो ना है कि अपने घर जाए, मेरा पैसा भी तो सब लोग लूट लिया, मेरा आदमी सेटरिंग का काम करते थे पहले, अब मेरे आदमी को जब से दौरा उठने लगा, सब सेटरिंग जोगाड़ भाड़ा पे चलाते थे, सब जोगाड़ भी लूट लिया मेरा आदमी का, अपनी बच्ची लोग का पैसा बटोर बटोर के सब जेवर बनाए थे, 2 लाख का जेवर बच्ची का था, 3 लाख का सब जहेज था, ऐसा ऐसा पित्तल का सेनी बच्ची लोग का 3 चाटो था, तुम जिनका भी चाटो लाए आपको देखे ना, आप इतना बर्तन सरल है। मुसलमानों के सफेद खून को सुनाई नहीं दिया कि नरसिंहा गंद सरस्वती ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार फिर से अपमानित किया, उनकी शान में फिर से घटिया और गंदी गुस्ताखी करी और अपने सुअर जैसे गंदे चेहरे से, अपनी नाली की कीड़े जैसी जबान से घटिया और घटिया और घटिया बातें कही। इसके बाद भारत के मुसलमानों में एकदम मुर्दों की तरह शांति तारी रही, लेकिन अरब के, ये देखिए, अरब के मीडिया जर्नलिस्ट, जी हाँ पत्रकार, जो अल जजीरा में पत्रकारिता करते हैं, जो कतर में रहते हैं, इन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है और OIC को मेंशन किया है कि जिस प्रकार से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी जा रही है और जिस तरह से मुसलमानों को मारने और काटने के लिए उकसाया जा रहा है, इस हिंदू आतंकी को ध्यान से सुनना चाहिए। यानी आप समझ लीजिए कि पूरे दुनिया में किस प्रकार से मोदी जी के भक्त भारत का अपमान करवा रहे हैं। भारत में कोई पढ़ा लिखा हो या जाहिल, सभी के दिलों और दिमाग में मुसलमानों के लिए नफरत का जहर बो दिया गया है। दिल्ली मेट्रो हो या एयरपोर्ट, सड़क का किनारा हो या घर के अंदर, मुसलमान अगर नमाज पढ़ दे तो सबके पैखाने निकल जाते हैं, सबका पेट खराब हो जाता है और मुंह से हगना शुरू कर देते हैं, सबकी भावनाएं भड़क जाती हैं और सबकी पैंट पीछे से फट जाती है, लेकिन यही भीड़ दिल्ली मेट्रो के अंदर
JSR के नारे लगाएं तो ये बढ़िया है। न दिल्ली मेट्रो कुछ बोलेगी, न इससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, न किसी की गिरफ्तारी होगी, न ये देश के खिलाफ है। देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के अंदर या मेट्रो के अंदर जिस प्रकार से नारा लगाया जा रहा है, बहुत जल्द मॉब लिंचिंग मेट्रो के अंदर भी शुरू होने वाली है। सोच के देखिए, अगर यही जो सैकड़ों की तादाद में भीड़ इस तरह के नारे लगा रही है, अगर दो मुसलमान खड़े होकर अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे तो पूरे देश की जाँच एजेंसियाँ, सिक्योरिटी एजेंसीज दहल के रह जाएंगी और उन मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सच यही है जो कड़वा है। वहीं बिहार के सीएम ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि पूरे देश में और खासकर सासाराम और दूसरी जगह पर दंगा करवाने में दो लोगों का हाथ है। और आपको भी सोचना चाहिए कि गुजरात का खिलाड़ी कौन है। अब इस बयान को सुनिए। दो लोग है, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है, एजेंट है, अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना। हमले सिर्फ मुसलमानों पर नहीं हो रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, विकाराबाद जिले का ये मामला है। जो पिट रहा है पुलिस की मौजूदगी में वो 26 वर्ष का दलित युवक है, जिसे तेलंगाना के अंदर विकाराबाद में शिव भक्तों के द्वारा पीटा जा रहा है। गुनाह ये था कि 26 वर्षीय दलित युवक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना कर रहा था, जिससे शिव भक्त बर्दाश्त नहीं कर पाए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का विरोध करते हुए 26 साल के एक दलित युवा को बुरी तरह से इस कायरों के झुंड ने पीट डाला। वहीं केंद्र सरकार की ये पुलिस, गुजरात पुलिस, वडोदरा पुलिस, उल्टी कार्रवाई कर रही है। पूरे भारत में मुसलमानों को मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, घर जलाया जाता है, मस्जिद जलाई जाती है, कुरान जलाया जाता है, इज्जत लूटी जाती है, कत्ल करके ये सारा काम करके उनके इन तमाम नुकसानात का जो जिम्मेदार है मुसलमानों को ही बना दिया जाता है। ऐसे ही मेरे दोस्तों, वडोदरा की पुलिस, गुजरात की पुलिस गिरफ्तार किसे कर रही है, ये दोनों स्क्रीनशॉट समझ लीजिए। दोस्तों, ट्विटर पर गुजरात में महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ उसका बयान शेयर करने वाले लोगों के पास ट्विटर के द्वारा ईमेल आ रहे हैं। ये ट्विटर का मेल है जिसे ट्विटर ने एक यूज़र को किया है, जी हां, मोहम्मद आसिफ खान को, और कहा है कि वडोदरा की पुलिस ने रिक्वेस्ट किया है, कंप्लेंट किया है कि आपके इन पोस्ट को उड़ाया जाए। बेसिकली इस पोस्ट को आप देख सकते हैं, ये वो वाला पोस्ट है जिसमें मुस्लिम महिला के साथ पुलिस वाले ने बदतमीजी की थी और इसी वीडियो के अंदर महिला बता रही है कि मेरी इज्जत पर गुजरात की पुलिस ने, मोदी जी की पुलिस ने हाथ डाला, मेरी प्राइवेट जगह पर हाथ लगाया, छीना झपटी में पुलिस का बिल्ला मेरे हाथ में आ गया, इस नाम को समझिए और उसको गिरफ्तार कीजिए। बजाय पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए थी उस व्यक्ति पर जिसने ऐसा किया, तो ऐसा ना करके पुलिस उल्टा जो सबूत जहां जहां मौजूद हैं, जो ये वीडियो जहां जहां मौजूद है वहां से डिलीट करवाने में बिजी हो गई। भाई साहब, ये देश का हाल है, इससे छोटी रिपोर्ट में बना नहीं सकता, आप लंबी देख नहीं पाते। खबरें अभी 50% छोड़ चुका हूं, बस दुआओं में याद रखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इस रिपोर्ट को इतना शेयर कीजिए ताकि पूरे हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में ये वीडियो जाए और लोग देखें कि भारत में मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, ईसाइयों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। जय हिंद।